आज मैं घी बनाने की टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी, और जिस तरीके से मैं घी बनाती हूँ उस तरीके से अगर आप भी घी बनाएंगे तो आपका घी कम मलाई से अधिक मात्रा में बनेगा, और उसका यूज़ आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। तो ये मेरे घर में 10 दिन की मलाई बची हुई थी, मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ तो उससे काफ़ी मलाई निकल जाती है, तो मैंने उसको फ्रीज से बाहर निकाल दिया और मैंने एक पतीली में इसको डाल दिया है। अब मैं इसको खूब फेंटूंगी जब तक इसका बटर ना बन जाए। इसमें पहले पानी नहीं डालना है, जब इसको आप खूब फेंटेंगे, फेंटने के बाद आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो रहा है तो उसमें आप गुनगुना पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके बाद इसको फेंटना है और तब तक फेंटना है जब तक इसका मक्खन ना बन जाए। इसका बटर बन गया है तो अब इसको अलग निकालूंगी मैं, और अलग निकालने के बाद इसको फिर से गुनगुने पानी से धुलना है। ये बटर से एक्स्ट्रा दूध निकल गया है, इसको फेंकना नहीं है, मैं इसको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। ये मैंने बटर को अलग प्लेट में निकाल दिया है। बाद इस बटर को अगर आपको खाने के लिए यूज़ करना है तो आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घी बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा बटर अलग बचा लिया है। और उसके बाद जो बाकी का जो मक्खन था उसका मैं घी बनाऊंगी, तो मैंने ये कढ़ाई पे डाल दिया है और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका घी ना बन जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि बीच बीच में करछी से इसको घुमाते रहना है, कई बार घी नीचे कढ़ाई पे लग जाता है तो उसका ध्यान रखना है। तो ये घी बनके तैयार हो चुका है। अब मैंने इस घी को छन्नी से छान कर अलग निकाल दिया है एक बाउल में, और इसमें जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में इसको रखूंगी ग्लास के जार में। गरम गरम ग्लास के जार में रखना सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार कांच का चटकने का डर भी रहता है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ग्लास के जार में रखूंगी मैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक कांच की बोतल में रख दिया है, और ये आधा किलो करीबन घी हमारा तैयार हो चुका है, और घी भी बिल्कुल साफ है, घर का प्योर घी, फ्रेश घी। तो ऐसी अगर आप इस तरीके से आप घी बनाते हैं तो आपका घी अधिक बनता है और साफ सुथरा घी भी आपका तैयार होता है। अब जो बटर से दूध बच गया था उसको मैंने कटोरी में अलग रख दिया था, तो मैं इसको एक फ्राई पैन में डालूंगी और उसके बाद इसको गुनगुना होने देंगे। होने के बाद पहले इसमें एक गिलास दूध डालेंगे और फिर इसको थोड़ा और गुनगुना करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे लेमन जूस, और लेमन जूस डालने के बाद ये दूध जब फट जाएगा तो इसको हम पानी को अलग कर देंगे और इसकी जो पनीर है उसको अलग कर देंगे। ये पनीर बन चुका है तो इसको हम छान देंगे। मैंने पनीर को अलग कर दिया है और ये पनीर भी हमारा उस दूध से निकल चुका है, तो आप इस प्रकार से घर में ही पनीर भी बना सकते हैं। आपने देखा घी, पनीर और बटर बनाना घर में कितना इजी है, और साफ सुथरा भी रहता है, प्योर भी मिल जाता है हमें। तो बस आप भी घर में इन चीज़ों को बनाइए।